सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग की। हम जैसा हमने कहा था कि काउंसलिंग 20 अगस्त के आसपास शुरू हो जाएगी, तो जैसा कि 21 अगस्त से ये काउंसलिंग शुरू हो रही है, पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप कैंपस जाकर सीट अलाटमेंट लेंगे। और कहाँ जाना होगा, लूलू मॉल लखनऊ के पास जो है जगह एड्रेस दिया गया है बिहाइंड लूलू मॉल, तो वहाँ आपको जाकर और कैंपस में जाकर ऑनलाइन अलाटमेंट आपका किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन दे दिया गया है, इससे राउंड के लिए गाइडलाइन दे दी गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुसार आपको जाना होगा। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद इसे आप डिटेल में देखिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन ऑन कैंपस स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग दिया गया, शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग डेट जो है काउंसलिंग की, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वही 500 रुपये आपको देने होंगे, जो है 500 रुपये आपको देने होंगे। 21 तारीख से 31 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देखिए इसमें और एक नई चीज़ इसमें दी गई है, और फिर वेन्यू पर जाकर आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे, वो वेन्यू नीचे एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर देखिए चार, फिर उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे 31 तारीख को तक, तो उसके बाद 4 तारीख को आप जाएंगे 4 सितंबर को, तो एक रैंक से ले कर 8000 रैंक तक 8 बजे से 10 बजे तक रिपोर्ट करेंगे। और कैंडिडेट ओपन रैंक जो आपकी आई हुई है, आपके रैंक कार्ड पर दी गई है, उसमें एक 8000 से लेकर 17000 तक। फिर इसी तरीके से अगले दिन जाएंगे, तो यानी यहाँ पर जो लोग क्वालिफाई हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो अधिकतम 33016 रैंक जिनकी ओवरऑल रैंक आई है, वही लोग इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं, वही लोग बाद में जाकर कॉलेज अलॉट होगा। और यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको जाना होगा। कब जाना होगा, 4 तारीख को किसको जाना होगा वो हमने दिया, और 5 तारीख को किसको जाना होगा सितंबर में, तो वो हमने यहाँ दे दिया। गूगल मैप भी दिया गया है, उसी के माध्यम से आप जा सकते हैं। एलिजिबल स्टे राउंड कौन से हैं, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड और बम्प अप राउंड में उन्होंने नॉट पार्टिसिपेट नहीं किया, वो लोग जिन्हें तीनों राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई वो लोग, और जिन्हें अलॉटेड सीट हैव बीन सबमिटेड एडमिटेड, यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैव नॉट बी एडमिटेड, यानी उन्होंने सीट तो अलॉट हुई लेकिन वो गए नहीं, तो उन्हें भी यहाँ पर मौका मिलेगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव टेकन एडमिशन इन ए कॉलेज हैव रिज़ाइन, अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 27/7/2023 के पहले, ये डेट देख लीजिए, जिन लोगों ने 27/7/2023 के पहले रिज़ाइन कर दिया था वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके अलावा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट हैव बीन एडमिटेड बाई अलॉटेड कॉलेज, और कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड एंड अलॉटेड कैंडिडेट रिज़ाइन आफ्टर जो है, तो ये लोग जो है नॉट एलिजिबल हैं, यानी जिन लोगों ने 27/7/2023 के बाद किया है वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पहले आपको ऑनलाइन जाना होगा जैसे आप जाते थे, उसी तरीके से 21 तारीख से काउंसलिंग कर पाएंगे, फिर उसके बाद अपेयरिंग होगी और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। इस बार आपको सीट कन्फर्मेशन के लिए DD ले जाना होगा, आप समझिए कन्फर्मेशन के लिए 40,000 का जो है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट ओनली जो है वेन्यू पर जाने से पहले, डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनवाते हैं तो इसके फेवर में आप बनवाना पड़ेगा, बाकी डायरेक्टली कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड से करना है तो कोई बात नहीं, एज इट इज़ जैसे आप करते हैं वही कर जाएंगे करेंगे। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द सीट कन्फर्मेशन फीस आर नॉट एलिजिबल टू रीसबमिटेड सीट्स फीस, यानी जो लोग पहले सबमिट कर चुके हैं उन्हें सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अलॉटेड कॉलेज एडजस्टेड अगेंस्ट द ट्यूशन फीस आफ्टर कंप्लीशन द काउंसलिंग एंड एडमिशन फीस। द कैंडिडेट टेकन द प्रिंट आउट स्ट्रे राउंड ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वेरीफिकेशन फ्रॉम विच, यानी उन्हें जो रजिस्ट्रेशन करना है 21 तारीख से वो आपको रखना है, उसका प्रिंट आउट आपने पास लेके जाना है। सीट अलॉटमेंट टू बी कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर द मेरिट एट द काउंसलिंग वेन्यू, काउंसलिंग वेन्यू पर इसलिए आपको मेरिट के हिसाब से बुलाया गया है, तो वहाँ पर मेरिट के हिसाब से ही आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ऑल कैंडिडेट शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आर फेलिंग विच दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग एंड एडमिशन। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसी को इसी ऑर्डर में आपको लेके जाना है।
वन कलर्ड पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई, वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप्लीकेशन एक अपलोड की जाएगी, वो हम आपको जो है वो वेरिफिकेशन सीट है आपकी जिस पे आपने भर के अपलोड किया था फॉर्म भरते समय वो ले जानी है। पासिंग सर्टिफिकेट्स यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ यानी हाई स्कूल का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो CMO से बना हुआ होगा वो आपको ले जाना होगा, SC ST OBC EWS है तो वो ले जाना होगा। यहाँ बताया गया कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है होती है और आप नहीं लेते हैं एडमिशन तो आपके 40,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। अगर सीट अलॉटेड हुई और आपने पूरा एडमिशन प्रोसेस नहीं की है तो आपके 40,000 रुपये जो है जब्त कर लिए जाएंगे। तो इसलिए संभल के करिए, जैसे कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।